नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। आप देख रहे हैं शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है, आज थोड़ा टेक्निकल रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लैपटॉप के बारे में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे ऑटो कैड हो, रेविड हो, 3DX Max हो, स्केचअप हो, स्टैट प्रो हो, ईटैप्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट लैपटॉप क्या होगा और उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बेसिकली बताऊंगा एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खरीदने से पहले क्या क्या स्पेसिफिकेशन देख के आपको खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, ऑफलाइन पे खरीदना चाहिए या फिर ऑनलाइन पे खरीदना चाहिए, कितना प्राइस में आपको खरीदना है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वहाँ पर रखना चाहिए। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी शेयर करूंगा, मैं पिछले 7 to 8 ईयर से सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, क्या लैपटॉप में यूज किया और क्या क्या मुझे दिक्कत आई, जिसको ध्यान रख के अगर आप एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस करेंगे तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चला पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए तो मैं इतना विश्वास के साथ आप लोगों को कह सकता हूं, आप एक बेस्ट प्राइस में बेस्ट लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस कर लेंगे। और एंड तक देखने के बाद इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका मन में कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि एक बार जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे जाके आपको पछताना नहीं है, आपको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो इस वीडियो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं अमेजोन पे कुछ लैपटॉप ढूंढ रहा था, तो मुझे जो अच्छा अच्छा लैपटॉप लगा तो उनका कुछ प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हैं और वहां से खरीद सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा कहां पर हम लोग गलतियां करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ब्रांड पे, कोई भी आके हम लोगों को बता दिया इस ब्रांड का लैपटॉप अच्छा है तो आप हम लोग जाके उस ब्रांड का लैपटॉप खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पहले फोकस करना है स्पेसिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि जो ब्रांड है वो सिर्फ ऊपर का ढांचा बनाता है और स्पेसिफिकेशन कोई दूसरा कंपनी बनाता है। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको लेना है या कौन सा ब्रांड का लेना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ प्रोसेसर के ऊपर। दोस्तों देखिए, आप प्रोसेसर इंटेल का लीजिए, इंटेल सबसे बेस्ट है, और आप i3 लीजिए मिनिमम। अगर आप i5 या फिर i7 लेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि एक प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका लैपटॉप काम करेगा। प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं है तो आप रेंडर निकालेंगे, खास करके जो 3DX Max आप जब यूज करेंगे वहां पर रेंडर निकालने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसा टाइम होता है हैंग होकर बंद हो जाता है, तो इसके लिए आपको अच्छा प्रोसेसर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रैम के ऊपर, तो मिनिमम आपको 4GB रैम लेना है। रैम का भी वही काम है, कितना फास्ट आपका लैपटॉप काम करेगा वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 8 to 16 GB रैम लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया है और भी बेटर है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक्सटर्नल ग्राफिक्स के ऊपर। यहाँ पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते और बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता एक्सटर्नल ग्राफिक्स क्या होता है। दोस्तों देखिए, एक्सटर्नल ग्राफिक्स इसीलिए हम लोगों का जरूरत होता है क्योंकि जितना भी सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में आ रहा है ना, एक साल बाद बाद उसका अपग्रेडेशन वर्जन आता जा रहा है। जितना अपग्रेडेशन वर्जन आ रहा है उसमें फंक्शन ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो उसके लिए ग्राफिक्स ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो जब आप इंटेल का प्रोसेसर खरीदेंगे तो आपको वहां पर HD ग्राफिक्स मिल जाएगा, लेकिन उसमें काम नहीं चलने वाला है, आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स खरीदना ही पड़ेगा। आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स मिनिमम 1GB लीजिए, और आप रेडॉन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो एनवीडिया का भी यूज कर सकते हैं। एनवीडिया का थोड़ा कॉस्टली होता है, आप रेडॉन का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज हमेशा देख लीजिएगा दोस्तों, जिस कंपनी का आप ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं उस कंपनी का एक स्टिकर लगा रहेगा आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में। अगर स्टिकर नहीं है तो कोई भी आपको बोले उसमें ग्राफिक्स है, आप विश्वास मत कीजिएगा, आप स्टिकर देख के ही विश्वास करेंगे उसमें ग्राफिक्स है क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क, हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलते हैं तो हार्ड डिस्क के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन आप जब एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करने के लिए उसको खरीद रहे हैं। आपको कभी सिनेमा देखने का मन करेगा, आपको कभी गेम खेलने का मन करेगा, तो इसके लिए आप मिनिमम 500GB हार्ड डिस्क ले लीजिए, और 1TB हार्ड डिस्क है तो सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा से काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम लोगों का ज़्यादा बजट नहीं होता है तो मैं आप लोगों के रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एप्पल का खरीद लीजिए जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप विंडोज़ खरीद सकते हैं, तो विंडोज़ में आप कोई भी लैपटॉप अभी खरीदेंगे तो मैक्सिमम जगह पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल रहेगा एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन विंडोज़ 10 में एक प्रॉब्लम होता है जो मैं फेस कर चुका हूँ, विंडोज़ 10 ऑटोमेटिकली वाईफाई के साथ कनेक्ट करके अपडेट लेता है। आप ऑटो अपडेट ऑफ करके रखेंगे फिर भी वो अपडेट लेता है,
तो इससे क्या होता है दोस्तों, आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम अगर आप जो क्रैक वर्जन अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्रैक वर्जन चलता नहीं है, ऑटो अपडेट के साथ वो बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुका हूँ। हर किसी के लिए सॉफ्टवेयर परचेस करके चलाना मुश्किल होता है, तो अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है विंडोज 7। आप विंडोज 10 ले लीजिए, आगे चल के कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फॉर्मेट करके विंडोज 7 लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कितना प्राइस में आपको खरीदना चाहिए। दोस्तों प्राइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आपको 30,000 से 40,000 के अंदर ही खरीदना है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, उससे कम भी मत लीजिएगा। इससे कम लेंगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और इससे ज़्यादा लेंगे तो हाईफाई प्रोडक्ट हो जाएगा, उतना हाईफाई प्रोडक्ट जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करते हैं कहाँ से खरीदना चाहिए, ऑफलाइन पे खरीदना चाहिए या फिर ऑनलाइन पे खरीदना चाहिए। दोस्तों इसमें ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीथ है, हम लोग सोचते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो हमेशा ऑफलाइन पे खरीदना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन पे खराब प्रोडक्ट आता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी ऑनलाइन मार्केट इतना ग्रो कर चुका है, आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन में खरीदना बेटर है क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और ऑफलाइन पे एक चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ, वहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जाता है, जो सेल्समैन होता है ना वो लोग कोशिश करते हैं जो लैपटॉप बेच के उनका ज़्यादा फायदा होगा वो लैपटॉप आपको देने में कोशिश करेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको मैनिपुलेट कर ही लगा वो लोग। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन पे खरीद लीजिए, मैं जो प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप वहाँ से देख लीजिए, उनमें से कोई भी पसंद होता है तो आप ले लीजिए, नहीं तो दूसरा भी आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऑनलाइन पे आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। लैपटॉप रिलेटेड कोई भी इशू हो जो आपको 1 ईयर वारंटी में मिलता है, आप ऑनलाइन पे फ़ोन करके कस्टमर केयर में फ़ोन करके A to Z प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपका घर में आके भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे जाएगा। तो इसके लिए मैं इसी लैपटॉप में बता रहा हूँ, आपका अगर कोई फ्रेंड है कोई शॉप पे काम करता है या फिर उनका कोई दुकान है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दोस्तों मैं बात करता हूँ मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मैं पहले डेल का लैपटॉप यूज़ करता था, अभी मैं लेनोवो आइडियापैड 110 यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट लगा। इसका प्राइस लगभग 30,000 के अंदर में आ गया था, 30,000 ही लगा था और यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन पाया हूँ। तो आप भी चाहे तो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का बेसिकली वीडियो, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।